Everyone, welcome to my channel. Today I'm going to share Tej makeup look because Tej is near, so I create this makeup look. So first of all, I prep my skin, then I apply toner because toner is very important for our skin. Because guys, ये हमारी skin के ऊपर पोर्स तो स्टिंग कर देता है. Then I'm using ये मार्स का है lip balm, बहुत ही beautiful है lip balm, बहुत ही pink shade है. Then I'm apply moisturizer because moisturizer is very important step for our skin. गाइस ये बहुत ही मॉइस्चराइज कर देता है हमारे फेस को, हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा स्मूथ बनता है. तो मॉइस्चर कभी स्किप मत कीजिए गाइस. आज मैं सबसे पहले कर रही हूँ आई मेकअप लुक क्योंकि आई मेकअप लुक मुझे करना बहुत अच्छा लगता है. सबसे पहले मैं आई मेकअप लुक करूँगी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आईब्रो पैलेट. स्विच ब्यूटी आईब्रो पैलेट है. आपको एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रो को फिल करनी है बहुत ही लाइट, क्योंकि आप लाइट आईब्रो बनाओगे तभी आपकी आईब्रो बहुत ही स्मूथ और सीक लगेगी. देन आई एम यूजिंग कंसीलर बिकॉज कंसीलर हमारे आईब्रो को एक शेप दे देता है और आपके आईब्रो बिल्कुल सेलिब्रिटी लुक की तरह लगेंगी. तो आपको कंसीलर अपने आईब्रो के ठीक ऊपर और नीचे लगाना है. देन उसके बाद से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लीजिए. गाइड में यहाँ पे ऑरेंज कलर का कलर इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि मेरे जो भी डार्क सर्कल हैं और मैं इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करूँगी ना तो ग्रे हो जाता है. तो ग्रे नहीं होगा आपका फाउंडेशन अगर आप ऑरेंज कलर का कलर यूज करेंगे अपने आई मेकअप से पहले. तो गाइड मैं यहाँ पे पूरे अपने आईलेट पर लगा रही हूँ कंसीलर. कंसीलर मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा आई शेडो का जो भी कलर है वो पॉपअप करके आया. मैंने इसे बेस दे दिया है. सो गाइस मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का आई शेडो अप्लाई किया था, उसकी वीडियो मिस हो गई मुझसे, कट गई. इसके बाद मैं अपने पूरे आईलेट पर लगा रही हूँ ग्रीन कलर. ऊपर मैंने लगाया कोरल शेड और देख सकते हैं बहुत ही सिंपल आई मेकअप रखा है मैंने. देन इसके बाद मैंने हल्का सा ग्लिटर लगाया, अप्लाई कर लिया अपनी आईलेट पर पूरी. गाइस तो बहुत अच्छी आई मेकअप लुक हो जाएगा. तो आई मेकअप इज डन. सो कर लेते हैं गाइस आप पूरा फेस का मेकअप. तो गाइस मैं ले रही हूँ फाउंडेशन मेबलिन फिट मी 220 शेड. आपको डॉट डॉट करना है, बहुत ही कम प्रोडक्ट ही अपने फेस पे अप्लाई करना है क्योंकि मानसून है इसलिए मैं बहुत ही कम मेकअप यहाँ बता रही हूँ. आपको अपने फेस पे डॉट डॉट करना है और एक ब्रश की हेल्प से आप फिंगर की हेल्प से भी फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाएगा. और हम कंसीलर लगा लेंगे जो भी आपके डार्क सर्कल. अगर आपके डार्क सर्कल नहीं है तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं और पाउडर आपको जो भी फेस पे एक्स्ट्रा पाउडर है उसे हटा दीजिए. देन हम पूरे मेकअप को लॉक कर देंगे मेकअप फिक्सर से. तो आई एम यूजिंग फेसिस कनाडा का मेकअप फिक्सर है गाइड और मैंने इसे अपने डैप कर लिया है ताकि मेरा पूरा फाउंडेशन स्टिक हो जाए. देन इसके बाद मैं कर रही हूँ फेस कॉन्टोर. मैंने यहाँ पे लिया है शुगर का ये ब्रॉन्जर किट. तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे करी है कॉन्टोर, बहुत ही लाइटली करनी है आपको क्योंकि कॉन्टोर हमारे फेस को एक डायमेंशन दे देता है, आपका फेस थोड़ा सा स्लिम लगता है. मैंने यहाँ पे लगा रही हूँ ब्लश और लगा रही हूँ यहाँ पर मैं हाईलाइटर. तो गाइस मैंने यहाँ पर नोज कॉन्टोर भी कर ली है. तो नोज कॉन्टोर बहुत ही लाइट करनी है आपको. गाइस अब लगा लेते हैं हाईलाइटर. तो हाईलाइटर आपको अपने वेजुक नोज पर, चिन एरिया पे और आपको अपने चिक बोन पर लगानी है ताकि आपका फेस जब भी लाइट में रिफ्लेक्ट करे शाइनिंग स्टार रहे गाइस. देन इसके बाद हम लगा रहे हैं लिप लाइनर. तो लिप लाइनर हमें लगाना है अपने लिपस्टिक से शेड का मैच करता हुआ. देन इसके बाद मैं लगा रही हूँ पे कलर एसेंस का मैजेंटा फ्यूशिया पिंक शेड है. गाइस करंटली मेरा फेवरेट शेड है, बहुत ज़्यादा औसम है. इसका टेक्सचर, उसकी स्मेल टू गुड है गाइस, बहुत अच्छा लगा. गाइस मुझे थोड़ी स्वेटिंग आ रही थी फेस पे तो मैंने मेकअप स्पॉन्ज से अपने पूरा मेकअप को सेट कर लिया है. तो गाइस अब ये हो गया मेरा पूरा फेस मेकअप कंप्लीट. ये है मेरा फाइनल लुक. उम्मीद करती हूँ गाइड आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा. मैंने यहाँ पे सिंदूर लगा रखा है, बन बना रखा है और चूड़ी पहन रखी है और मैंने आई लैशेस लगा रखी है. उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय.